There is a small air bubble inside a glass sphere of radius 10 centimeter. The bubble is 4 centimeter below the surface and is viewed normally from the outside. Find the apparent depth of bubble. अब हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास बॉल है और इसमें बबल, इसकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है और सरफेस से 0.4 की दूरी पर देर इज अ स्मॉल बबल, सॉरी 4 की दूरी पर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहाँ दिखेगा। यहाँ से देख रहा हूँ मैं, नॉर्मली व्यू कर रहा हूँ, तो मुझे बबल कहाँ, अपेरेंट डेप्थ कहाँ लिखेगी। देखिए अब ये राउंड है, अब ऐसे नहीं निकल पाएगा, ये रियल डेप्थ बाय म्यू इससे नहीं निकलेगा। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस, और इसके लिए अपने चार पांच डेरिवेशन करवाए थे। उनमें से एक केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंजर मीडियम, है ना, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब सोच रहे हो कि यार याद ही नहीं है क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताओ, मैं फॉर्मूला आपको रटवाने की बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे देखते हैं, पोल से, ये पोल है, वो छोड़ो। ऑब्जेक्ट जो है उस डिस्टेंस को किस लेटर से दिखाते हैं, यू से, यू लिख दीजिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, तो उसके ऊपर न्यूमरेटर में वो मीडियम लिख दो। प्लस टू की बारी हो गई, अब वन की बारी, यू की बारी हो गई, अब वी की बारी, इक्वल टू जो वी के ऊपर लिखा है माइनस जो यू के ऊपर लिखा है डिवाइडेड बाय रेडियस, खत्म। ऐसे होता है फॉर्मूला। यही पैटर्न आप यूज़ करेंगे जब कभी ऑब्जेक्ट बाहर होगा, तब म्यू टू म्यू यू के ऊपर म्यू वन आ जाएगा और बचा हुआ म्यू टू यहाँ, वी यहाँ, फिर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर होगा। अभी फॉर्मूला सवाल ये कहता है, तो ये फॉर्मूला आपको दिखा होगा, याद आ गया होगा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस में इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं। रखते हैं वैल्यूज, 1.5 अपॉन यू कितना है 4, प्लस 1 जो कि एयर थी, वी निकालना है 1 माइनस 1.5, वही पुराना कन्वेंशन रेडियस रखने का, ऑब्जेक्ट फेसिंग कॉन्केव सरफेस टेक आर नेगेटिव -10 बाय 4 प्लस 1 बाय वी -0.5 बाय -10 1 बाय 20। सो 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय 20 -15 बाय 40। हटा दो इसको, अब क्या करोगे, 40 एलसीएम लोगे, 2 माइनस 15 दैट इज -13 बाय 40। सो वी विल बी माइनस का 40 बाय 13, सो वी विल बी माइनस का 3.08 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो आपको, ये अगर ये चार है और डिस्टेंस यहाँ से देखते हैं, तो एक तो वर्चुअल मिलेगा, माइनस का मतलब वर्चुअल है, और थोड़ा सा पहले मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे कहीं मिलेगा क्योंकि थ्री बोला है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर डायग्राम देखना है कि कैसे बनेगा डायग्राम इसका, तो देखिए कैसे बनता है। ये ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल्स, ये रह गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से देखते हैं, और ये डाइवर्ज हो गई, क्यों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रह गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इनको प्रोड्यूस करिए, आई बस समझ में थ्री कैसे आया, क्योंकि रे को तो मिलाना है आगे या पीछे अगर इमेज चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज,